डॉक्टर घाव के ऊपर पट्टी लगाता है, मरहम लगाता है, आप सब जानते हैं डॉक्टर उसको उसके मवाद को निकालता है, फिर उसमें डिटॉल लगाता है, हाइड्रोजन लगाता है, फिर उसे पोंछता है, फिर उस पे क्रीम लगा के रुई लगा के पट्टी बांधता है। डॉक्टर ये सोचता है कि अंदर जो गंदगी है वो ना रहे तो दवा काम करेगी और बाहर से मिट्टी कुट्टी ना पड़े इसीलिए पट्टी ऊपर से काम करेगी। तो यही महात्मा इंद्रदेव कह रहे हैं, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं कि कुछ संत ऐसे हैं संसार में जो पूरे वैद्य हैं, अंदर और बाहर का इलाज करना जानते हैं। तो ये कथा औषधि है, परम औषधि हरि चरित्र ज्ञान की, आरती अति पावन पुराण की, धर्म भगत विज्ञान खान की। केवल भागवत में कहानियां हैं और कहानियां ही सुनाई जाएं तो इस भागवत से किसी का भी कल्याण होने वाला नहीं है, किसी का भी नहीं। पानी पर दिन भर चलने से प्यास नहीं बुझती है, ये ध्यान रखना। आप दिन भर पानी पे चलो, प्यास नहीं बुझेगी। अच्छा एक बात बताओ, अपन खेत में पानी लगाते हैं गेहूं बगारा में, तो अपन पानी में ही ज्यादातर रहते हैं, घुटने घुटने पानी में तो घूमते ही रहते हैं, कभी कांटो कभी मुंह दो, कभी इधर कभी मेड़ फूट गई, कभी ये हो गया कभी वो हो गया, उसके बाद भी पानी अलग से पीना पड़ता। केवट दिन भर जमुना जी में रहते नाव लेकर, फिर भी पानी की बोतल नाव में अलग से रखी हुई है उनके। इसका मतलब ये नहीं है कि जो जमुना जी का पानी है वो प्यास नहीं बुझाएगा, वो भी बुझाएगा, पर प्यास पानी की कब बुझती है? जब वो मुख में पड़ता है। बॉडी पर पड़ता है तो प्यास नहीं बुझेगी, मुख में पड़ेगा तो प्यास बुझेगी। यही उसका सिद्धांत है जल का, प्यास बुझाने का। गर्मी हटाने का सिद्धांत मुख नहीं है, अगर गर्मी हटानी है तो पानी को बॉडी पर डालना पड़ेगा, स्नान करना पड़ेगा, तो गर्मी शांत होगी तब भी प्यास नहीं बुझेगी, पर प्यास बुझाना है तो मुख में डालना पड़ेगा। ये कथा दो काम करती है, अगर आपको पाप फूप ये मिटाना है तो कैसे भी सुन लो, ये सही काम करेगी, तुम्हारे को शांति देगी शीतलता देगी, पर प्यास बुझानी है, चिंता मिटानी है, संतोष लाना है तो इसे कान रूपी मुख में डालना पड़ेगा, हृदय में ले जाना पड़ेगा, आचरण में लाना पड़ेगा। पानी के दो काम बता दिए मैंने, शरीर पे डालोगे तो गर्मी नहीं लगने देगा, मुख में डालोगे तो प्यास नहीं लगने देगा, तुम्हारी प्यास नहीं बुझ रही है सब कुछ करके भी। देखो आपने पैसा भी कमाया, देखा है पत्नी देखी है, पति देखें, आपने विलास आहास भोग सब किया है, फिर भी प्यास कहां बुझ रही है, आपकी इच्छा कहां मर रही है? नहीं तो कैसे मिटेंगी? तो कहा मुखमंजनम यथार पुरुषम, अंजन करो, शुद्धि करो दिमाग की, विचारों की, अपने अंतर हृदय की शुद्धि। जब तक कुआं में पड़े हुए तीन कुत्ते जो सड़ रहे हैं वो नहीं निकलेंगे, कुआं का पानी पवित्र होने वाला, वो गंद बांस हटने वाली नहीं है, इसलिए निश्चित उनको हटाना पड़ेगा तो सब चीजें काम आएंगी, फिर पंडित जी काम आएंगे, कथा काम आएगी, गंगा जल काम आएगा।